अस्सलाम वालेकुम भाई, तो कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब ये ठीक ठाक होंगे। तो ये आज की वीडियो के अंदर मैं आपको इस तरह की इस्लामी वीडियो एडिटिंग करना सिखाऊंगा जैसे कि आप प्रीव्यू में देख रहे हैं। इस तरह की इस्लामी वीडियो एडिटिंग आप भी कैसे बना सकते हैं, तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और आपको इस तरह की वीडियो एडिटिंग करना सिखाते हैं। तो इस तरह की वीडियोज़ बनाने के लिए आपके पास सबसे पहले इनशूट ऐप होना लाजमी है। तो आपने इनशूट ऐप को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो आपने सबसे पहले फ़ोटो वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, न्यू के ऊपर क्लिक करना है, जहाँ से ब्लैंक वाले को सबसे पहले वाले को आपने सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं पहले वाले को सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद कन्वेक्स के ऊपर आकर अपनी मर्ज़ी का जहाँ से साइज़ सेलेक्ट कर लेता हूँ, जिस साइज़ के अंदर मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो जैसे कि मैं जो साइज़ के अंदर बनाने वाला हूँ, फ़ोटो के ऊपर लिरिक्स लिखने वाला हूँ, वो है 3:4 वाला साइज़। इसको ओके करना है। ओके करने के बाद आपको यहाँ नीचे काफ़ी ऑप्शन मिल जाते हैं, तो आपने आ जाना है। यहाँ से फिल्टर इफेक्ट के साथ आपको मिल जाता है बैकग्राउंड का ऑप्शन, जहाँ क्लिक करेंगे। यहाँ से आपने फ़ोटो वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, गैलरी में से एक फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेना है। फ़ोटो आपकी जब आ जाएगी तो आपके सामने जब ब्लरिंग नज़र आ रही है, तो आपने करना क्या है, तो यहाँ से फर्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर कर इसको ब्लर अनब्लर कर लेना है। ओके करना है। ओके करने के बाद थोड़ा सा आगे आना, जहाँ से आपको मिल जाता है एक ऑप्शन PIP का ऑप्शन, जहाँ क्लिक करेंगे। यहाँ से आपने अपना कोई भी इस तरह का बॉर्डर क्रिएट कर रख लेना है, इसको ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद ये इस तरह से आपका बॉर्डर इसके ऊपर परफेक्ट तरीके से लग गया है। उसके बाद बैक आना है। बैक आने के बाद आपने यहाँ से टेक्स के ऊपर आना है। टेक्स्ट के ऊपर आने के बाद उर्दू कीबोर्ड को अप्लाई कर लेना है। इसके अंदर आपने अपने लिरिक्स लिख कर रख लेने हैं, जैसे कि ये मेरा पहला लिरिक्स है, इसको मैं ऐड कर लेता हूँ। कलर आपका कोई भी रख सकते हैं, वाइट रख लें, ब्लैक रख लें, जो भी रखना चाहें आप रख सकते हैं। मैं इसको वाइट रख लूँगा या ब्लैक कर लेते हैं। ब्लैक करने के बाद इसको बॉर्डर भी इसको ब्लैक का थोड़ा सा नॉर्मल दे देना है। उसके बाद उर्दू का कोई भी अच्छा सा फ़ॉन्ट को सिलेक्ट कर लेना है, जिसके ऊपर आपको अच्छा आपका लिरिक्स देखने को लगे। जैसा कि जहाँ से मैं इसको इसका साइज़ कम करता हूँ, कम करने के बाद ओके करता हूँ। ओके करने के बाद आप इस तरह का भी फ़ोन लगा सकते हैं, आप अपने मर्ज़ी का कोई भी फ़ोन लगा सकते हैं। तो जैसा कि ज़्यादातर लोग जो फ़ोन लगाते हैं वो जमील नूरी वाला होता है, तो वो ज़्यादा चल रहा है ट्रेंडिंग के ऊपर, इसको मैं लगा लेता हूँ। ओके कर लेना है। ओके करने के बाद इसको थोड़ा सा फिंगर की मदद से बड़ा कर लेना है। बड़ा करने के बाद ये इस तरह से आपकी ये एक बन जाएगी, फ़ोटो बन जाएगी। तो उसके बाद बैक आना है। बैक आने के बाद यहाँ से टेक्स्ट के ऊपर आना है, जहाँ से अपनी गैलरी में से कोई भी इमोजी सेलेक्ट कर लें। अगर गैलरी की यहाँ से सॉरी कीबोर्ड के अंदर से आपने इमोजीज को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद कलर के ऊपर आना है, वाइट कलर रख लेना है। बॉर्डर इसका रिमूव कर देना है। रिमूव करने के बाद यहाँ से AA के ऊपर आकर यहाँ से आईफोन वाला फ़ोन को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आप के सामने ये इस तरह से आ जाता है। आप उसके बाद इसको थोड़ा सा कम कर कर इसको नीचे रख सकते हैं। जैसा कि इसके ऊपर मैंने लाइन वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा लगाई हैं, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। ऊपर से दो नीचे की तरफ को लाइन लगा देता हूँ, तो जैसा कि ये वाले। उसके बाद यहाँ से इमोजीज भी एक कम कर देता हूँ, जो भी करनी है आप कर लें। आप ज़्यादा भी लगा सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। उसके बाद आपने कलर के ऊपर आकर शेडो के ऊपर आना है। शेडो इसको ब्लैक की कर देनी है नॉर्मल। तो यहाँ से इसकी एडजस्टमेंट कर लेनी है, जितनी आप इसको शेडो देना चाहते हैं। देने के बाद ओके कर लेना है। ओके करने के बाद इसको बड़ा छोटा कर कर आप जहाँ एडजस्ट करना चाहते हैं आपने वहाँ इसकी एडजस्टमेंट कर लेनी है इस तरह से। तो उसके बाद आपकी फ़ोटो बनकर तैयार हो जाएगी। उसके बाद बैक आएंगे, उसके बाद ऊपर एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, तो ये आपकी गैलरी के अंदर एक्सपोर्ट हो जाएगी। तो आप इसके ऊपर अगर डेली की वीडियो बना रहे हैं, अगर आपने फ़ोटो भी चेंज करनी है, तो जैसा कि आपने आना यहाँ से बैकग्राउंड के ऊपर, यहाँ से इसको रिमूव कर देना, फ़ोटो को अपनी आगे वाली फ़ोटो को ऐड कर लेना है। तो जैसे कि मैं यहाँ से ये वाली फ़ोटो ऐड कर लेता हूँ। ओके करता हूँ, ये हमारी आगे वाली फ़ोटो ऐड हो गई है। इसके ऊपर लिरिक्स के ऊपर क्लिक करना है, इसको रिमूव कर लेना है। अपना आगे वाला लिरिक्स आप लिख सकते हैं, जैसे कि ये मैं आगे वाला लिरिक्स लिख लेता हूँ। इस तरह से साइज़ कम या ज़्यादा आप अपनी मर्ज़ी से फिंगर की मदद से कर सकते हैं। इसी तरह से आप इजीली अपनी वीडियोस बनाकर टिकटॉक के ऊपर लगा सकते हैं। तो बहुत ही आसान वीडियो का तरीका था जो मैंने आपको बता दिया है। तो आई होप आप जो मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं है चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक तो इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।